अस्सलाम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम MTK 2016 का इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर वन में जो है वो इसमें हमारे पास वोकेबलरीज दिए हुए हैं, लेकिन ये जो वोकेबलरीज हैं ये इस दफ़ा के जो कि वोकेबलरीज हैं उसमें जो है वो ये मेंशन नहीं है। इसी वजह से जो है वो हम 103 से लेकर 104 तक जो कि वोकेबलरीज का जो पोर्शन है उसको हम स्किप करते हैं, और जो है वो जो कि क्वेश्चन नंबर टू है स्पॉट द एरर में जो है ना हम चलते हैं। ठीक है, तो 107 ये स्टेटमेंट ये है कि इट शोड दैट ही वॉज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सर्फेस ऑफ थिंग्स, अ मैन नॉट डिपेंडेंट इन पेपर मैनिफेस्टेशन। तो इसमें हमने जो है वो चूज़ करना है कि कौन से जो ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो एरर है। तो अगर हम ए में देखें तो शोर्ड है जो कि जो है वो इसमें जो है वो ठीक है, और जो है वो अ मैन कैपेबल ऑफ ये भी ठीक है, लुकिंग बीनीथ भी ठीक है। तो इसका मतलब कि जो रॉन्ग बनेगा वो हमारे पास डी बनेगा। ठीक है, तो डी जो होगा इसमें हमारे पास जो है वो रॉन्ग होगा, बिकॉज जो है वो डिपेंडेंट इन नहीं होता, जो है वो डिपेंडेंट ऑन होता है। ठीक हो गया। 108 इसकी स्टेटमेंट ये है, ही वॉज अ चाइल्ड एवरी टाइम ही वर नॉटी, हिज फॉस्टर मदर यूज टू थ्रेटन टू सेंड हिम इन टिम्बिटको। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये है कि ही वॉज अ चाइल्ड, तो ये ठीक है। ठीक है, एवरी टाइम ही वर नॉटी, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज ही वर मतलब जो है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब है वो भी जो है वो सिंगुलर होनी चाहिए। तो बी जो है इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक हो गया दोस्तों। 109 की स्टेटमेंट, आई वॉज फेस्ड विद अल्टरनेटिवली ऑफ ईदर इविक्टिंग द बुक्स और एल्स लिविंग दैम इन सोल अनडिस्टर्ब टेनेंसी एंड टेकिंग रूम्स एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ। फर्स्ट ऑप्शन ही अगर हम देखें, आई वॉज फेस्ड विद अल्टरनेटिवली, तो ये एक रॉन्ग है, क्योंकि फेस जो वर्ब है उसके साथ जो कि अल्टरनेटिवली एडवर्ब है वो विद को लगाना जो है वो इसमें जो है वो एक एरर है। तो इस वजह से इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास अल्फा बनता है, क्योंकि जो है वो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्टरनेटिवली अगर आता तो ये जो है वो राइट होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQ 10 ये है कि आई रिमेंबर गोइंग टू ब्रिटिश म्यूजियम वन डे टू रीड फॉर द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलिमेंट ऑफ विच आई हैड अ टच हे फीवर, आई फैंसी इट वॉज। तो अगर हम ऑप्शन ए देखें गोइंग टू, तो ये जो है ये एक राइट है। ठीक हो गया। अगर हम ऑप्शन बी में देखें तो रीड फॉर, तो जो रीड फॉर है ये हमारे पास एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि टू रीड के साथ फॉर जो है वो यूज नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो रीड फॉर द ट्रीटमेंट गलत है, टू रीड द ट्रीटमेंट जो है ये एक राइट एक इसकी स्टेटमेंट है। 111 देखें तो ये है कि द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर रैपिडली इंक्रीजिंग रदर लाइक अ जाइगेंटिक स्नो बॉल विच नॉट ओनली गेट्स बिगर एज इट रोल्स बट गोज फास्टर एज वेल। ऑप्शन ए देखें तो द नंबर ऑफ पीपल है, क्योंकि हमने इसमें जो है वो नंबर ऑफ पीपल को स्पेसिफिक कर दिया है। तो जब हम जो है वो स्पेसिफिक करते हैं तो हम जो है वो वर्ब को सिंगुलर रखते हैं, लेकिन इसमें जो वर्ब है वो हमने आर यूज़ किया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका रॉन्ग होगा। ठीक हो गया दोस्तों। 112 देखें तो ये है कि इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड डेट अनलेस द ग्रोथ इज चेक्ड देयर विल ओनली बी इनफ रूम ऑन द अर्थ फॉर पीपल टू स्टैंड बाई। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड, तो ये एक राइट ऑप्शन है। सी बी देखें तो द डेट अनलेस द ग्रोथ इज चेक्ड, ये भी राइट है। देयर विल ओनली बी राइट है, इन जो इसमें जो स्टैंड के साथ बाय लगा है ये जो है वो इसमें ये एक एरर है, जो है वो राइट है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो इसी वजह से टू स्टैंड जो था ये ठीक था, लेकिन जो है वो हमने बाय लगा लिया, तो इसी वजह से ये हमारा एरर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि इसमें से हमने ए बी सी डी में से जो है वो हमने राइट MCQ जो है वो हमने इसमें चूज़ करना है। तो 113 की अगर हम देखें तो जो फर्स्ट वाला जो है इसमें यह है कि इनसाइड अ कार्टन वॉज अ पुश बटन यूनिट फास्टन विद अ स्मॉल वुडन बॉक्स, क्योंकि इसमें जब वो विद लगा हुआ है तो ये जो है वो अगर हम देखें तो इसकी जो है वो सेंस नहीं बन रही, क्योंकि ये कर देखें तो इनसाइड अ कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट फास्टन बाय अ स्मॉल वुडन बॉक्स, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। इनसाइड अ कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट फास्टन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, ये भी रॉन्ग है, टू नहीं आ सकता। इनसाइड अ कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट फास्टन अलॉन्ग, अलॉन्ग इसमें जो है वो एक राइट है, क्योंकि अलॉन्ग हमने उसको फास्टन कर दिया। तो बी हमारे डी जो है वो इसमें राइट है। 114 अगर हम देखें तो ये है कि द बोट लुक टू वन अनदर, तो वन अनदर इसमें जो है वो एक रॉन्ग होगी। ठीक होगी। बी अगर देखें तो दे बोथ लुक टू ईच अदर स्टार्टल्ड बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश सेइंग, लेकिन इसमें क्योंकि हैड लगा हुआ है तो फिनिश्ड है, तो इसमें जो है वो ई डी फॉर्म आनी चाहिए, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। सी देखें दे बोथ लुक टू ईच अदर स्टार्टल है इसमें, तो ये एक जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। डी देखें दे बोथ लुक टू ईच अदर स्टार्टल्ड बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश सेइंग, तो ये जो है हमारे पास एक परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका राइट हो गया। 115 अगर हम देखें तो यह है कि द लवली सेंटिमेंट्स वी गो थ्रू रिपीटिंग,
और ये अगर हम देखें तो ये एक रॉन्ग है, क्योंकि हम जो है वो उनके बारे में है, वो हम सेंटिमेंट्स के बारे में है जो उनको हम रिपीट करते हैं, तो ये थ्रो जो है वो गलत है। बी देखें, द लवली सेंटिमेंट्स वी गो अबाउट रिपीटिंग, तो अबाउट रिपीटिंग जो है वो इसमें एक राइट ऑप्शन है, बी इसका राइट हो जाएगा। अगर हम चार्ली और डेल्टा देख लें तो इसमें वी गो इन था जो, ये भी रॉन्ग था, और वी गो फॉर ये भी रॉन्ग था। 116 अगर हम देखें तो ये है कि ऑप्शन ए ये है कि द ब्राइट लाइट स्टिल इन हर आइज शी मूव्ड क्विक आउट ऑफ द डोर, ये जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो है वो क्विक इसमें दिया हुआ है, हालांकि जो है वो वर्ब के बाद जो एडवर्ब की फॉर्म है वो जो है वो क्विकली यूज़ होती है। बी देखें तो विद द ब्राइट लाइट स्टिल इन हर आइज शी मूव्ड क्विक आउट ऑफ द डोर, क्विक क्विक आउट टू द डोर है, तो टू इसमें रॉन्ग हो गया। चार्ली देखें तो विद द ब्राइट लाइट स्टिल इन हर आइज शी मूव्ड क्विकली आउट टू द डोर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डेल्टा देखें, विद द ब्राइट लाइट स्टिल इन हर आइज शी मूव्ड क्विकली आउट ऑफ द डोर, तो ये हमारे पास परफेक्ट ऑप्शन होगा। 117 देखें, अल्फा इन अ शॉर्ट वाइल क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैड बिन कलेक्टेड, तो अगर हम देखें, अगर हम इसमें ऑप्शन ए में देखें तो इसमें जो है वो क्वाइट यूज़ हुआ हुआ है, जो कि इसमें जो है वो रॉन्ग है सेंस के अकॉर्डिंग। बी अगर देखें, इन अ शॉर्ट वाइल क्वाइट अ लार्ज क्राउड हैड कलेक्टेड, तो ये जो है वो इसमें राइट है, क्योंकि बी में जो है वो क्वाइट जो कि इसकी एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है। अगर हम सी देखें तो इसमें इतना कि इन अ शॉर्ट वाइल क्वाइट लार्ज क्राउड, क्योंकि इसमें आ लगता है, क्योंकि जो है वो क्राउड के साथ जो है वो हम आ को यूज़ करते हैं, इसमें जो है वो आ नहीं है, और इसमें जो डेल्टा उसमें हमने दाल गा लिया, मोर स्पेसिफिक कर दिया, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। 118 अगर हम देखें तो ये था कि अल्फा ये है कि शी वॉच्ड ऑल द इंपॉर्टेंट मैच इन द ब्रुक फील्ड ग्राउंड, अगर हम 18 में ये एरर इसी वजह से, क्योंकि इसमें इन आया हुआ है जो है वो, अगर इन में क्योंकि जो ब्रुकफील्ड ग्राउंड है उसके अंदर नहीं जो है वो उसने सारे इंपॉर्टेंट मैचेस जो है वो वॉच किए, बल्कि अगर हम इसकी, तो इस वजह से ये जो है वो रॉन्ग होगा। बी अगर हम देखें तो ये था कि शी वॉच्ड ऑल द इंपॉर्टेंट मैचेस ऑन द ब्रुकफील्ड ग्राउंड, तो क्योंकि जब वो ग्राउंड की जो है वो बात करके तो उसके ऊपर उसने उन उसके ऊपर उसने जो है वो सारे मैचेस देखे, तो इसी वजह से जो कि इसकी जो राइट स्टेटमेंट है वो हमारे पास बी होगी, ठीक हो गया। चार्ली अगर हम देख लें तो इसमें फ्रॉम था ये भी गलत है, और जो डेल्टा है अगर विदिन है तो ये भी दोनों गलत होंगे। उसके बाद ऑप्शन 119 स्टेटमेंट एमसीक्यू, ये ऑप्शन ये है कि समथिंग हैड हैपेंड समथिंग हुज अल्टीमेट सिग्निफिकेंस हैड येट टू बी रिकन, तो क्योंकि इसमें वो हैड लगा हुआ है तो जो वो रिकन की ई डी जो है वो फॉर्म होगी, जो है थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो ये भी ए रॉन्ग हो जाएगा। डी बी देखें, समथिंग हैड हैपेंड समथिंग हुज अल्टीमेट सिग्निफिकेंस हैड येट वॉज रिकंड, ये भी रॉन्ग है। समथिंग हैड हैपेंड समथिंग हुज अल्टीमेट सिग्निफिकेंस हैड येट टू बी रिकंड, तो रिकंड ये हमारे पास जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम देख लें डेल्टा को, तो समथिंग हुज अल्टीमेट सिग्निफिकेंस हैड येट टू बी येट है, इसमें जो है वो सिर्फ येट हैड येट रिकंड जो है वो इसमें यूज हुआ, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाएगी। 120 देखें तो ये है कि अल्फा ये है कि हिज फैकल्टीज वर ऑल अन इम्पेयरमेंट एंड ही हैड नो पर्सनल वरीज ऑफ एनी काइंड, ऑप्शन नंबर ए में अगर हम देखें तो इसमें जो है वो इसमें जो के जो रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें जो है वो अन इम्पेयरमेंट दी हुई है, ठीक हो गया, तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी देखें, हिज फैकल्टीज वर ऑल अन इम्पेयरिंग, रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी देखें, हिज फैकल्टीज वर ऑल अन इम्पेयर्ड, ठीक है, ही हैड नो पर्सनल वरी ऑफ एन काइंड, लेकिन इसमें जो है वो वरी लगा दी है जो कि रॉन्ग हो जाएगा। डी देखें, हिज फैकल्टीज वर ऑल अनइम्पेयर्ड एंड ही हैड नो पर्सनल वरीज ऑफ एनी काइंड, तो ये जो है वो इसकी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। डेल्टा 121 देखें तो ये है कि इट वॉज हार्ड टू हिम टू स्पीक आउट लाउड बट ही हैड मैनेज टू मर्मर समथिंग, अगर 121 का ऑप्शन ए देखें ये कि इट वॉज हार्ड टू हिम, तो टू इसमें जो है वो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक हो गया। बी देखें, इट वॉज हार्ड ऑन हिम, जो है वो इसमें एरर हो जाएगा। सी देखें, इट वॉज हार्ड फॉर हिम, तो फॉर इसमें राइट है टू स्पीक आउट लाउड बट ही हैड मैनेज टू मर्मर समथिंग, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास चार्ली बनता है। अगर हम डेल्टा देख लें, इट वॉज हार्ड अपॉन हिम, इसमें अपॉन भी एक एरर है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास चार्ली बनेगा। 122 देखें तो ये अल्फा ये है कि देर वॉज लिटल मनी सेव्ड अप बिसाइड, तो ये भी जो है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो है वो सेव्ड अप बिसाइड, जबकि आ लिटल मनी जो है वो एक सिंगुलर है, तो जो है वो बिसाइड्स इसमें होगा यूज़। अगर हम बी देखें, देर वॉज लिटल मनी सेव्ड, तो इसमें जो है वो आ लगाए नहीं, क्योंकि जो है वो लिटल मनी जो है वो एज आ नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो आ जो है वो लगा कर इसको जो है वो हम पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी जो है वो एरर होगा। सी देखें, देर वॉज लिटल मनी सेव्ड अब बिसाइड, ये भी रॉन्ग है। डी देखें, देर वॉज आ लिटल मनी सेव्ड अब बिसाइड, तो ये जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें भी जो है वो हमारे पास वोकैबुलरी के मीनिंग्स जो है वो हमें,
वो इसमें जो है वो पूछे गए हैं, जो कि हमारे क्योंकि इस बार के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इस बार के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो हम इनको भी स्किप करेंगे। तो ये हमने आज जो है वो इंग्लिश पोर्शन MDK 2016 को जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया और सॉल्व किया। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना तो ज़रूर बनता ही है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।